गाइस वेलकम बैक टू वंदे हिमालय। सो लास्ट जो वीडियो था हमने उसमें पार्ट वन देखा था, कॉल ऑफ ड्यूटी वर्ल्ड वॉर जो सेकंड है उस गेम का। सो आज उस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियोस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल। थैंक यू। सो कंटिन्यू करते हैं यहाँ से गाइस। काफी हैवी फायरिंग हो रही है सामने से। कवर में रहना बहुत जरूरी है। और मैं भी नीचे बिल्कुल एकदम प्रोन हो चुका हूँ। अभी क्रॉल कर रहा हूँ मैं, बिकॉज अभी इस मेरे पास हेल्थ पैक भी नहीं है यहाँ पे, और मुझे एक वॉल के नियर पहुँचना है जहाँ पहुँच कर मुझे बैंगर जो एक वेपन है मुझे उससे मुझे सी वॉल को मुझे ब्रेक करना है यहाँ पे। तो देखते हैं गाइस कैसा रहता है इसमें। ये मैंने पॉइंट किया इसको, और माउस को मुझे राइट करके चले जाना है, और ये मैंने फायर कर दिया है। मैं यहाँ पे एक सेक्शन में पहुँच गया हूँ, लेकिन मेरा जो हेल्थ है वो बहुत ही लो हो चुका है, बिकॉज़ मुझे इंजरीज हो गई हैं यहाँ पे। अब देखते हैं कि यहाँ से कैसे निकलते हैं। सबसे पहले तो मुझे एक अच्छी गन यहाँ पे चाहिएगी। ये गन भी अच्छी है, इसके अलावा मैं इस गन को स्वैप करूँगा वेफल से। ये अच्छी ऑटोमेटिक गन है वेफल, और मुझे यहाँ पे हेल्थ पैक चाहिए कुछ। अगर मुझे कोई फर्स्ट एड किट जो होता है उसको यूज़ करके आप अपनी अपनी जो हेल्थ को आप रिस्टोर कर सकते हैं यहाँ पे। सो सी गाइस, मुझे हेल्थ पैक मिल गया है, मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ हेल्थ पैक को। सामने से फायर आ रहा है, आप देख सकते हैं। इंक्रीज कर लिया मेरे पास, लेकिन मैं यहाँ पे ग्रेनेड्स का यूज करूंगा। तो दो ग्रेनेड्स वहां पे, बहुत ही हैवी फायरिंग आ रही है यहाँ से। ग्रीस गन में इसकी अगर स्वैप कर लेता हूँ, ग्रीस गन काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी पावरफुल गन है ये भी। सामने मुझे फर्स्ट एड किट मेडिकल किट रखा हुआ दिख रहा है, तो सबसे पहले मैं मेडिकल किट लेता हूँ, और इधर चेक करता हूँ कि अगर शायद मुझे कुछ यहाँ पे मिले। नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है मेडिकल किट वगैरह। आगे बढ़ते हैं यहाँ से गाइस, और ये यहाँ देखते हैं अगर मेडिकल किट है यहाँ पे। तो ऐसा मुझे मेडिकल किट मिल गया है, और मेडिकल किट मैंने यूज़ किया है और अपनी हेल्थ को रिस्टोर कर लिया अच्छी तरीके से।
हैं, मेरे ही सोल्जर हैं मेरी टीम के। किसी ने मेरे पर ग्रेनेड फेंकाया तो मैंने सामने से आ गया, ये देखिए, और यहाँ पे मैंने कैप्चर कर लिया इनको। ऊपर जाना है मुझे, एक बार मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ जाने से पहले कि यहाँ पे क्या कुछ मुझे मिलता है। यहाँ पे कुछ मिला है शायद, देखिए क्या है ये, सम मेमेंटोस फाउंड समथिंग, कोई नाइफ या समथिंग लाइक दैट। आगे बढ़ते गए यहाँ से, बहुत ही हैवी फायर आ रहा है, यहाँ पे कवर लेते हैं फटाफट। स्मोक बम मैंने डाला है ताकि थोड़ा सा हम कवर मिल जाए हमें। यहाँ पे कुछ एनिमी के शोल्डर्स यहाँ पे दिखे हैं, ग्रीस गन का मेरा एमओ खत्म हो चुका है, तो जो नॉर्मल मेरी राइफल है उस राइफल को मैं यूज़ करूँगा। MP40 भी अच्छी राइफल है, ग्रीस गन की जगह मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं गाइस, चलिए यहाँ से। सो अब मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मिला है, मुझे ये बंकर्स क्लियर करने हैं मुझे। मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ, तीन चार ग्रेनेड मैंने वहाँ पे फेंक दिए और आई थिंक मैंने सप्रेस कर दिया है वहाँ पे कुछ टाइम के लिए एनिमी फायर को। आगे बढ़ते हैं यहाँ से गाइस, ये यहाँ पे मुझे मेडिकल किट की अभी रिक्वायरमेंट है, मैं थोड़ा मेडिकल किट यूज़ कर लेता हूँ और अपनी हेल्थ को मैंने पूरा रिस्टोर कर लिया यहाँ पे। ऑफिस अच्छी गन तो मुझे ये लगती है यहाँ पे, तो देखिए सामने से हमला कर रहा था और इधर से भी फायर आता हुआ, तो यहाँ भी छुप के बैठे हैं देखिए, फायर फिर सामने से आ रहा है फायर, शायद अभी सप्रेस कर दिया है मैंने इसको। सो पहला जो बंकर है गाइस वो क्लियर हो चुका है, उसके बाद सेकंड बंकर की तरफ बढ़ेंगे। प्रेस टैब टू फाइंड योर ऑब्जेक्टिव्स। सो रीलोड कर लेता हूँ गन को, मुझे दूसरे बंकर की तरफ जाना है। सो उसके पहले मैं ये गन जो है ये भी मैं ले सकता हूँ, उसको मैं यूज़ करता हूँ, जो कि एक MG42 गन है, और इसको मैं डिसमाउंट कर लेता हूँ वहाँ से, जो कि एक आप इसको लाइट मशीन गन भी कह सकते हैं। भागे की तरफ यहाँ से बढ़ते हैं दूसरे बंकर की तरफ, देखिए यहाँ पर कैसे फायर आ रहा है, 50 ही गोलियां बची है मेरे पास इसमें, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल गन है, मैंने यूज़ किया है इस गन को। तो मुझे शायद इस तरफ बढ़ना है, यहाँ से मैं आया था। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे, इस बंकर को क्लियर कर लेते हैं फिर बढ़ते हैं इस तरफ ही। शायद इस बंकर को मुझे क्लियर करना है, यहाँ पे काफी स्मोक है यहाँ पे अभी अंदर, और काफी हैवी फायरिंग हो रही है अंदर की तरफ से। अपने जो ग्रेनेड हैं वो रिफिल कर लेता हूँ एक बार, काफ़ी हैवी फायर आ रहा है अंदर से, आप देख सकते हैं कितना हैवी फायर आ रहा है। तो मैं ग्रेनेड्स का यूज़ करता हूँ यहाँ पे। ओह, एक ग्रेनेड यहीं पे गिर गया है,
गलती से वो ग्रेनेड मेरे यहीं पे एम सही से नहीं हो पाया और यहीं पे वो ग्रेनेड गिर गया। को अंदर डालना है मुझे। चार के चार ग्रेनेड मैंने अंदर डाल दिए हैं और थोड़ा रीलोड कर लेता हूँ। बहुत ही हैवी फायर आ रहा है अंदर से। यहाँ पे मशीन गन लेके बैठे हैं ये, देख सकते हो जैसे कि। मुझे एमओ की जरूरत है, मुझे फर्स्ट एड की, फर्स्ट एड किट मुझे मिल चुका है, लेकिन अभी भी अंदर से बहुत ही हैवी फायर आ रहा है। ये मार रहा था फायर, सो डिस्ट्रॉय कर दिया मैंने उसको। जैसे मैंने भी पहले जो हमारे लाइक इंडिया में जो रिलीज़ हुई थी बॉलीवुड मूवीज़ लाइक एलओसी कारगिल और वो देखी थी, तो उनका भी एक लाइक वॉर क्राई होता था लाइक दुर्गा माता की जय और समथिंग, और आई डोंट नो लाइक फॉरेन मिलिट्री फोर्सेस में इनका वॉर क्राई क्या होता है। यहाँ पर मुझे कुछ को दिखा है, यहाँ पर उसका एमओ ख़त्म हो चुका है और एमओ नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी। अब मैं इस वाली मशीन गन को मैंने वापस वहाँ से निकाल लिया है। यहाँ से भी बहुत हैवी फायर आ रहा है, मैं देख रहा हूँ काफ़ी हैवी फायरिंग कर रहे थे ये भी। एक और मुझे दिखाई दिया है, अरे मेरे पीछे आ गया और मेरी गन रिलोड नहीं है। ओ ये बंकर भी क्लियर हो चुका है यहाँ पे, एक बार देख लेता हूँ यहाँ पे अगर शायद मुझे कुछ वेपन्स वगैरह मिल जाए। और ओके यहाँ पे कोई वेपन्स नहीं है मेरे पास, फिर दूसरी गन एक बार चेक करता हूँ कौन सी गन है मेरे पास। अच्छा ओके ये गन भी अच्छी है, मैं इसकी जगह ये गन पिकअप कर लेता हूँ और यहाँ से चलते हैं आगे। मे बी एमओ मिल जाए, शायद एमओ की तलाश में निकलते हैं यहाँ से बाहर। फिर से फायरिंग शुरू हो गई है यहाँ पे आते ही, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं गाइस यहाँ से। ये देखिए काफ़ी हैवी फायरिंग आ रही है। ये बहुत ही इफेक्टिव गन है, बस एमओ नहीं है मेरे पास तो मैं स्वैप कर लेता हूँ अपनी गन। मैं PPSH-41 जो गन है वो यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे बंद है बंकर का डोर, इससे चलते हैं गाइस। बहुत ही हैवी एक यहाँ पे गन मिली है दूसरी, जो कि आई थिंक फ्लेम थ्रोवर है और काफ़ी इफेक्ट फ्लेम थ्रोवर गन है ये। मुझे बहुत ही पसंद है पर्सनली फ्लेम थ्रोवर को यूज़ करना, तो चलिए देखते हैं कैसा होता है। ये देखिए फ्लेम थ्रोवर कितना अमेजिंग गन है ये।
इस बंकर को भी मुझे क्लियर करना है, अभी तो शायद क्लियर हो चुका है ये, लेकिन शायद अभी इसके अंदर भी और कोई आतंकवादी नहीं कहेंगे, लाइक जो दूसरी आर्मी के सोल्जर हैं वो सोल्जर यहाँ पे हैं। तो देखें यहाँ पे कुछ मिलता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बाहर निकलते हैं यहाँ से, फ्लेम तो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए फ्लेम थोर तो कैसे जला दिया मैंने उसको पूरा। अब ये फ्लेम थ्रोअर तो मैं रखता हूँ अपने पास, और साथ में ये गन भी अच्छी है वैसे, इसको रिफिल कर लेता हूँ एमओ को, फ्लेम थ्रोअर का एमओ भी मैं रिफिल कर लेता हूँ। और यहाँ से निकलते हैं बाहर की साइड। एक्चुअली जो फ्लेम थ्रोअर है इसको चलाने में जो होता है ना मज़ा बहुत आता है फ्लेम थ्रोअर को चलाने में। ये कहाँ से आ गए, थोड़ा मेडिकल यूज़ कर लेता हूँ मैं बिकॉज मेरी हेल्थ। देखा आपने फ्लेम थ्रोअर कैसे पूरा जलाता है। 3 of the 5 बंकर्स जो होते हैं वो क्लियर हो चुके हैं हमारे। आगे बढ़ेंगे हम यहाँ से। आगे बढ़ते हैं, देखिए गाइस क्या मिलता है इसमें आगे। यहाँ से तो हम एंटर किए थे, हमें उधर जाना है, इसमें हम गलत आ गए रास्ते से। एक फर्स्ट एड किट भी मुझे यहाँ पे मिला हुआ रखा हुआ। निकलते हैं यहाँ से बाहर की तरफ। यहाँ तो मैं आ चुका था, फिर मुझे जाना कहाँ है कुछ समझ में नहीं आ रहा गाइस। यहाँ पे कहाँ जाना है कुछ कंफ्यूजन हो गया है यहाँ पे। आई सपोज यहाँ ओके, ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ये एरो साइड दिखा रहा है 32 meters। ओके हमें वापस ही जाना था यहाँ से। सो अब ये दिखा रहा है 18 meters पे बंकर है। ये बंकर खुल चुका है, हमें इसको वो करना है टर्न। ये हमारे साथ ही है टर्न, ये हम आगे मूव करते हैं। मुझे पक्का यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा हमें। ग्रेट फेंकते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये वाला बंकर भी क्लियर हो चुका है गाइस। सो बहुत ही अमेजिंग इस गेम प्ले का ये गेम है, और बहुत ही आप इंजॉय करते हो ऐसे गेम्स को खेलते समय। अब शायद हमारा ऑब्जेक्टिव जो है लास्ट बंकर शायद उसको क्लियर करना है यहाँ से, तो हम चलते हैं यहाँ से बाहर की साइड। मैं थोड़ा देखता हूँ अगर मुझे कुछ गन्स वगैरह या कुछ यहाँ पे अगर मिलता है कुछ समथिंग। एक फर्स्ट एड बॉक्स मिला है मुझे, तो यहाँ से हम निकलते हैं गाइस बाहर की तरफ। ये डोर को ओपन कर चुके हैं यहाँ पे, और अब मेरा एक और हमें जो लास्ट बंकर है वो डिस्ट्रॉय करना है यहाँ पे। काफ़ी हैवी डिप्लॉयमेंट यहाँ पे। वो ग्रेनेड डाल दिया उसने मेरे साथ, तो मैं उसका ग्रेनेड उसको ऊपर ही डाल देता हूँ वापस। जो उसने मेरे पर ग्रेनेड लगा था मैंने वापस फेंक दिया उसके ऊपर ही। ऊपर छत से मेरे पर फायर मार रहा है ये, ऊपर तक देखेंगे बहुत ही स्ट्रेट। आई थिंक ये एरिया भी जो है
क्लियर हो चुका है अभी। अब चलते हैं अंदर की तरफ। मेरे को लगता है कि ये लास्ट बंकर होगा जो हमें क्लियर करना है। यहाँ पे यहाँ पर मुझे फर्स्ट एड किट मिला है तो मैं एक फर्स्ट एड किट यूज़ करूँगा। अपनी हेल्थ को रिस्टोर कर लिया है मैंने और आगे बढ़ते हैं। यहाँ अंदर की तरफ घुसते हैं और उसने मेरे पर हमला कर दिया है अंदर से डायरेक्ट। ये छुप के बैठा था वहाँ साइड में, उसने हमला कर दिया गाइस। तो मुझे एफ टैप करना है जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो और मैंने इसको, इसने चाकू मार दिया मेरे जो फ्रेंड है उसको और मैंने इसको ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक कर रहा हूँ उसका अटैक, ब्लॉक कर दिया है मैंने। और ये मैंने, अबे यार गाइस थोड़ा सा यहाँ पे लेट हो गया मैं और यहाँ पे आई हैव बीन किल्ड। कहीं नहीं, यहाँ से जो चेक पॉइंट है, लास्ट चेक पॉइंट है, वहाँ से गेम फिर से शुरू होगा। ये मैंने गिरा दिया है उसको नीचे और मैं माउस को यहाँ लेके जाना है मुझे और मुझे सी दबाना है। गाइस ये भी रियल टाइम में गेम है, उसमें अगर ज़रा सी भी लेट होती है तो लाइक आपको बहुत ही क्विकली बटन प्रेस करने होते हैं, रेंडमली लाइक अलग अलग बटन प्रेस करने होते हैं। तो पहले तो आपको एफ ही प्रेस करना है इसको ब्लॉक करने के लिए। ये मैंने ब्लॉक कर दिया है इसको, उसका जो अटैक है वो ब्लॉक तो कर दिया है। मुझे माउस भी लेके जाना है नीचे और मुझे स्पेस दबाना है और इसको 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 मैंने मार दिया है। लग मुझे दो अटेम्प्ट लगे इसको फेल करने हैं और यहाँ से गार्ड आ गया है कोई। मेरा जो फ्रेंड है जूस मैन, मुझे इसको यहाँ से इसको रेस्क्यू करना है। यहाँ से यहाँ से फिर कुछ लोग फिर ये सामने से आ गए और मेरा रीलोड, मेरी गन में रीलोड करने की जरूरत है। फिर मुझे इसे रेस्क्यू करना है यहाँ से। इसको मैं ड्रैग करते हुए ले जा रहा हूँ, अपने जो फ्रेंड है मेरा जो जूस मैन है उसको ड्रैग करते हुए मैं ले जा रहा हूँ। और लाइक देखो कि लगातार लगातार फायरिंग हो रही है सामने से और यहाँ से भी शायद भी कोई आ गया। ये देखिए आ गए, पर बहुत कम ऑन, मुझे थोड़ा मेडिकल ग्रेनेड फेंक दिया है मेरे हमारे ऊपर। जरा सी देर हो गई है ग्रेनेड को करने में तो ग्रेनेड वहीं पे फट गया। तो इमीडिएटली जैसे ग्रेनेड आता है वैसे ही आपको उसको थ्रो बैक करना होता है इसमें गेम में। हम कंटिन्यू करेंगे, काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ये गेम। मेडिकेट मैंने यूज़ कर लिया है जो अपना फर्स्ट एड किट है। ग्रेनेड फेंक दिया वापस, ये तुरंत आपको जी बटन प्रेस करके ग्रेनेड को वो करना है यहाँ से। एक बार मेडिकेट यूज़ कर लेता हूँ, मेरी भी लाइक इंजरीज हो गई हैं और थोड़ा डाउन चल रहा है। और ग्रेनेड मैंने तुरंत उनका ग्रेनेड वापस फेंक दिया और मैं इसको
फिर ये आ गए ऊपर से। Just keep pressure on it. Almost there. Come on up here. Move. Okay, stay with me. Medic! Thank you for watching, guys. So, यहाँ पे हम एक checkpoint पे पहुँच चुके हैं game के, जहाँ पे मैंने जो उसका फ्रेंड है जुस्मैन उसको वहाँ पे रेस्क्यू कर दिया है। उसको एक मेडिकल जो हमारी मेडिकल यूनिट है, फर्स्ट एड यूनिट है, उसके पास मैंने उसको सेफली बचा दिया है। अब मुझे यहाँ से आगे मूव करना होगा, तो इसका जो पार्ट टू है वो पार्ट टू हम यहाँ पे ओवर करते हैं, और जो नेक्स्ट है वो हम पार्ट थ्री में इसको कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। वंदे मातरम, वंदे हिमालय। No, you have to stay awake. Hey!